14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने नागपुर की नाग नगरी में की है, इस धम्म क्रांति को इस समय 65 साल पूरे हो गए। इन 65 सालों में धम्म क्रांति का ये जो सफर है, इस सफर कैसा रहा, इस सफर को आप तक पहुंचाने का ये एक कार्यक्रम है। और इस समय हमारे साथ इस मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी की एक ऐसी जांबाज कार्यकर्ता जो बरसों से, मतलब जहाँ से हम देखते हैं कि 1990 के आसपास ये राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी का कार्यक्रम शुरू हुआ और तब से निरंतर इस कार्यक्रम में लगी हुई है। ये परिवारों पर जाकर धम्म चर्चाएं करती है और वहाँ से सांस्कृतिक परिवर्तन की वो जो नींव है उस नींव को मजबूत करती है। तो आज इसी कार्यकर्ता मित्र से आपका परिचय करवाएंगे। दीदी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपसे मुखातिब है पुष्पाताई बौद्ध, राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी की एक ऐसी कार्यकर्ता जो परिवारों के साथ संवाद स्थापित करती है। दीदी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। दीदी, एक बात हम लोग यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि इतने बरसों से, लगभग हमें लगता है कि 25-30 साल का ये वक्त बीत गया है, आप राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी के साथ जुड़ी हुई है और इस कार्यक्रम को निरंतरता से कर रही है, आप 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति को किस दृष्टि में देखती है? आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय हिंद। आवाज इंडिया चैनल को मैं बहुत बहुत 14 अक्टूबर मुक्ति दिन के उपलक्ष्य में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत बधाई जी। और मैं 1956 की जो बाबा साहब ने धम्म दीक्षा की उसको किस तरह नजरिए से मैं देखती हूँ, तो देखना नहीं है, कुछ करना है जी। देखना तो है, सम्यक दृष्टि का भाव तो होना ही चाहिए, देखना है, देखने के साथ समझ के कुछ करना भी है, क्योंकि बाबा साहब निरंतर साथ में। क्या करते हैं आप? मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैंने अपने आप को बदला है कि सच में मैं बौद्ध हूँ। अगर 1956 में बौद्ध धम्म की दीक्षा हुई है, 65 साल हो चुके हैं और अभी फिलहाल मेरी उम्र 65 के उधर ही जा रही है, 10 साल बाकी होंगे, तो इतने साल जो मैंने की, तो कुछ साल तो बचपने के गए और कुछ साल अभी सीखने के गए। तो 1956 के बाद का जो बाबा साहब का इतिहास हमने देखा, पढ़ा, सुना, उससे एक ही बात समझ में आई, खुद बदलो तब किसी को कुछ बताओ। जी, अगर हम खुद नहीं बदलते तो हम किसी को कुछ बदल नहीं सकते। ये जो बदलाव की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को यदि हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करने चाहे तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे, तो मैंने मतलब खुद को वहां उतारी हूँ और खुद वहां, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत पुराने परिचित है, जैसे आपने ये बात सच कहा, 1991 की बात है, वहां से हम लोग ये क्रांति को चला रहे हैं। 91 में धम्मदीप बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ था, तो वहां के लोगों ने कभी भिक्खु को, मतलब वहां उनका प्रदान हुआ ही नहीं था, तो हम बहुत, मतलब मैं छोटी मान लीजिए और मेरे बहुत बड़ी बेटी 6 महीने की होंगी, उस समय किसी ने कहा कि भंती जी को आप नागपुर से लेके आइए उद्घाटन के लिए, और हम ऐसे लेके गए। वो मेरा पहला लाइफ का, मतलब पहला टाइम था कि ये बुद्धिज्म है और ये लाने की, मतलब ये धम्म गुरु है और ये बाबा साहब ने जो कहा, फिर चंद्रमणि भंते जी को क्यों रखा उन्होंने धम्म दीक्षा के समय, तो कुछ तो बात है, ये बात जब दिमाग में आई और वैसे शुरुआत हो चुकी। और शुरुआत हुई, वो पहला टाइम था, तो नागपुर की लड़की होने के कारण धम्म दीक्षा के बारे में जानकारी उतनी नहीं थी जितनी। अच्छा, ये जानकारी आपने कैसे प्राप्त की? हाँ, तो सबसे पहले वहाँ जो मलाजखंड के ईडी थे, जो वहाँ के हेड होते हैं, वहाँ ऐसा था कि महात्मा फुले जी के जीवन पर कुछ बातें लिखी जाए, तो कहा गया ये नागपुर की लड़की है, जरूर जानती होंगी, पर मैं हकीकत और सच बोलूंगी, और जो भी है सच बोलने से बड़े फायदे होते हैं, तो मैं जानती नहीं थी महात्मा फुले जी को, और मैंने 2 लाइन का कुछ तो लिखी, और वो भी लिखी तो मैंने देख के लिखी, कुछ समझ के लिखी। किसी पुस्तक से? पुस्तक से, गुलामगिरी पुस्तक मेरे घर ऑलरेडी उस समय की है, अभी भी है, पर पढ़ती नहीं थी, तो वो देखी और वहां से मुझे पहला पुरस्कार मिला, ईडी के हाथ से पहला पुरस्कार कि मैंने बहुत अच्छा लिखा, तब शायद मेरी उम्र 19 साल की होंगी, और वो पहला पुरस्कार मेरे लाइफ को, मतलब पूरा टर्न हो गया, पूरा बदल गया। दीदी, हम ये समझना भी चाह रहे हैं कि किस तरह से आप बुद्ध वचनों को, बुद्ध की शिक्षाओं को,
बाबा साहेब के मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारते हैं? क्योंकि आपने एक बात कही कि स्वयं को अपने आप पहले बदलो और उसके बाद हम लोगों को दूसरों को बदलने के लिए कुछ कह सकते हैं। तो ये जो आपने अपने आप को बदलने की प्रक्रिया जो शुरू की, ये क्या प्रक्रिया थी? मैंने जब बाबा साहब को पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मेरे को सबसे ज्यादा ऊपर की 6 प्रतिज्ञाएं तो नहीं आई दिमाग में और समझ में भी नहीं आया था, उस समय की बात कर रही, पर 7वीं प्रतिज्ञा बड़ी सिंपल लगी और फट से समझ में आ गई। और मैं जिन लोगों के बीच में रहती थी, मेरे आजू बाजू में पूरा पूरा वातावरण अबौद्धों का था और अबौद्धों से भी ज्यादा पूरे ब्राह्मण रहते थे जिन कॉलोनी में मैं रहती थी, क्वार्टर्स में। तो 7वीं प्रतिज्ञा इतनी घर कहिए कर गई कि मैं बौद्ध धम्म के विरुद्ध विसंगत ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगी या नहीं करूंगा वो चीज। और फट से मैंने बाबा साहब के साथ उस शब्द को जोड़ी, तो बाबा साहब ने इतनी बड़ी, लोग कहते हैं मिस्टर कहते हैं, बड़ी क्रांति हुई, बड़ी क्रांति किए, बहुत मतलब उन्होंने किए, वैसा विद्वान कोई हो नहीं सकता। तो जब बाबा साहब ने खुद कुछ किया तभी तो लोग इतना मान रहे हैं। तो इसके लिए ये बात है, मैं जब तक मतलब बौद्ध धर्म के विरुद्ध विसंगत मैं भी ऐसा करूंगी तो कुछ तो कर पाऊंगी। वो चीज मुझे बहुत दिमाग में अच्छी लगी और आज भी मैं उस चीज को बहुत हर पल हर क्षण, जब भी किसी के दरवाजे में रोज कार्यक्रम होते हैं तो पहले मैं वही पाउल रखती हूँ कि क्या खुद में अपने आप को ठीक कर पाई, इतना ऐश्वर्य इतना सब कुछ मिला, सब कुछ मिलने के बाद टाइम वेस्ट करने के बजाय इसी में क्यों ना टाइम दे। तो वो चीजें बाबा साहब के मेन वो 7वीं प्रतिज्ञा है, वो मेरे दिमाग में बहुत और हमेशा मैं उसी को ज्यादा लेकर। क्या क्या राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी इसी बात पर केंद्रित होती है? 22 प्रतिज्ञा को केंद्रित होती है, राष्ट्रीय पारिवारिक राष्ट्रीय लेवल पर काम होता है, बहुत लोग बदले, सरनेम बदला, जैसे कि मेरे बेटा अभी 32 साल का। ये एक स्लोगन भी है राष्ट्रीय पारिवारिक धर्म संगोष्ठी का, बौद्ध दिखे बौद्ध लिखे बौद्ध बने। बौद्ध बने, तो वो स्लोगन बहुत मायने रखता है। तो पहले बौद्ध बने, फिर बौद्ध दिखे और उसके बाद लिखे। तो ये मेरे बेटे का जन्म जो हुआ तो तब से चेंजेस आ गए, 32 साल हो गए इस चीज को। एक बात इसी से जुड़कर हम लोग आपसे समझना चाह रहे हैं कि जैसे आप इतने बरसों से काम कर रही हैं, तो इस काम के बीच में आपने कितना प्रभाव देखे हैं बाबा साहेब की इस धम्म क्रांति का लोगों के बीच में? क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपके साथ शायद संपर्क में ना रहे हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो बरसों से आपके साथ संपर्क में हो, कुछ कार्यकर्ताओं को आप साथ लेकर जाते हो, कुछ नए लोग होते होंगे, आप प्रभाव क्या देखते हैं इसका? प्रभाव मुझे ऐसा लगता है, मतलब थोड़ी सी एक बात उसी को लेकर कहूंगी पर हटके थोड़ी सी, बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि मैं थोड़ा मतलब आगे ही रहती हूँ, आगे आने नहीं देते हैं ये चीज। तो ये चीज मुझे हमेशा बोला है बहुत लोगों ने जो मेरे साथ कार्यकर्ता आए, बहुत अच्छे लोग जुड़े, धार्मिक राजनीतिक सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक। तो मेरा एक ही कहना था, मैं मतलब ये तो अपने आप को बहुत ज्यादा पेश करना नहीं चाहूंगी पर ये हकीकत है, मैंने जो त्याग की मतलब मैं वो बता ही नहीं सकती, मतलब और बताना चाहूंगी तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता था मेरा घर सुंदर, मेरे मिस्टर का पद सुंदर, हर चीज है, तो क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं। क्योंकि हमेशा मेरे सामने, मैं ब्राह्मणों के बीच में रही तो एक मुद्दा तो मेरे सामने वो रहा, मेरे में क्या कमी है, मैं क्यों पीछे रहूं। और मैं टैलेंट जिस व्यक्ति को सारी दुनिया सारे विश्व में उनका बाहर विदेश में नाम है सब जगह, तो वो व्यक्ति में इतनी क्वालिटी है तो हम तीड़ मात्र तो कुछ अपने आप में कर सकते हैं। तो मैंने की और फिर लोग बीच आते गए, जुड़ते गए, निकलते गए। तो सवाल ये आया कि मेरा ये था, मैं पूरे टाइम देती हूँ, मैं आर्थिक मानसिक शारीरिक, और जैसा मैं बुद्ध धम्म को और बाबा साहब के वचनों को, बुद्ध के वचनों को या जितने भी महापुरुष संत है उनके वचनों को, मान लीजिए मैंने एक शब्द भी पढ़ा तो थोड़ा तो भी मैं लाइफ में अपने जीवन में उतारती हूँ। और खुद ही नहीं, मेरा ये स्ट्रिक्टली है थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा है मिस्टर, उनको भी पता है, बेटे सबको, मैं थोड़ा इस मामले में कड़क हूँ। ये छोड़ के कोई कुछ भी इंजॉय या कुछ भी करना चाहे, समाज में कुछ लोग मुझे ऐसे मिले कि मैडम इतना स्ट्रिक्टली नहीं, मैं बोली नहीं ना,
जिस जाति धर्म में पैदा हुई हूं मैं और मेरा इतना ऐश्वर्य मेरे को प्राउड है, तो क्यों मैं उसी राह पर सही तरीके से क्यों वहां समझौता नहीं? नहीं दीदी, हम ये जानना चाह रहे थे कि जैसे आप अन्य लोगों से मिलते हैं, वो शायद आपके संपर्क में भी ना रहे हो, लेकिन राष्ट्रीय पारिवारिक धर्म संगोष्ठी का हिस्सा बन जाते हैं, उन लोगों में आप धर्म क्रांति का प्रभाव क्या देखते हैं? हाँ, तो उसका मेन कारण है जैसे कि हमारे संस्कार और संस्कारों को लेकर बाबा साहब के विचार, बुद्ध के विचार। तो जैसे अभी बहुत सारे काउंसलिंग भी करना पड़ता है या बहुत सारे समस्याएं होती है, जो लोग नहीं भी है तो हमारी किताबें भी है। उन लोगों के पास में क्या अमूमन सवाल होते हैं? सवाल बहुत अलग अलग होते हैं। अच्छा, मतलब सवाल ऐसे भी होते हैं, क्या है मतलब जरूरी है क्या बौद्ध पद्धति से शादी लगाना, जरूरी है क्या बाबा साहब के विचारों को लेके चलना, दुनिया कहाँ जा रही, अभी बुद्ध का जमाना नहीं, अभी 22 प्रतिज्ञा बाह्य काल हो गई तो है। आपका जवाब क्या होता है? मेरा जवाब बहुत अच्छे से, मतलब मैं बहुत पेशेंस से और पूरा टाइम देती हूँ, 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा फोन पे सबको, चाहे दिल्ली से फोन हो, नासिक से हो, पुणे, और बहुत लोग प्रभावित भी है। ये जो आपने सवाल पूछा, अभी तक मुझे कभी भी ज्यादा से ज्यादा नर्वसनेस नहीं आया, पॉजिटिविटी मिली है। और ये पता नहीं क्या चीज है, और ये क्या चीज है पता नहीं है, बोलने के बावजूद भी मुझे पता चल गया बहुत अच्छे से, ये चीज सिर्फ बुद्ध के और बाबा साहब के विचार और संतों के विचार। यदि यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भाई आप लोगों से क्या कहती है कि क्या बाबा साहेब के विचारों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? हाँ। ये सवाल जब आप लोग आपसे पूछते हैं तो आप जो जवाब देते हैं, क्या वो जवाब हमारे दर्शकों के लिए आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, बाबा साहब के विचार सार्वंगिक विकास के है, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे जो भी मानते हो, मान्यता लोगों की जो है जिस बात को फैलाते हैं, बुद्ध और बाबा साहब ने किसी एक जाति धर्म की बात कभी नहीं की। बाबा साहब ने जो भी बात की, ये पुरुष और स्त्री जो है दो ही जाति है, एक तो स्त्री और एक पुरुष, ये दो जाति के बीच का जो मध्यम मार्ग है उसको विकसित करके दोनों पहलू, बैल बंडी के दोनों चाक पे वजन कैसे ढोया जाता है और बराबर पार कैसे लगाया जाता है, ये विद्वत्ता, ये नॉलेज और ये सारी बुद्ध और उनके धर्म में बाबा साहब ने वो भी बात डाली है कि परिवार का सुख, लोगों का सुख, जाति धर्म का सुख, दुनिया का सुख कैसे, क्योंकि बुद्ध की बात उन्होंने ग्रंथ के द्वारा हमको समझाई है। बाबा साहब तो है नहीं हमारे सामने, पर ये बहुत सारी चीजें हैं जो बाबा साहब ने, तो मुझे बताने में बड़ा हर्ष होता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक बात ये भी बता दूं, जो लोग भी, अगर अदर लोग भी टीवी सुनते हैं, और अभी का मैं 8 दिन पहले का बताती हूँ, किसी ने मुझे सुना तो अदर लोग भी मुझे, अगर मेरी पहचान है तो वो लोग भी फोन करते हैं कि बहुत अच्छे हैं बाबा साहब, पर हम क्या करें, हम जिस जाति धर्म में पैदा हुए वहाँ हम, पर बाबा साहब को तो वो लोग कहते हैं हम बाबा साहब को यहाँ से मानते हैं पर हम अपने घरों में रखने, ऐसा भी है सवाल लोगों का। ये भी जैसे आपने पूछा क्या आते हैं लोगों के सवाल, ये सवाल मेरे पास आए हैं कि सच में यार तुम बताती हो ना बाबा साहब तो सुनने सुनने की इच्छा होती है, और तुम्हारे मुख से तो ज्यादा ही, पर इतने अच्छे बाबा साहब थे, पर मैं तब उनको वर्ण व्यवस्था की बात बताती हूँ कि ये वर्ण व्यवस्था की जड़ें इतनी हैं कि आप मानते हो इस विद्वान को और कबूल भी करते हो, पर वो वाणी से कहीं पहुंचा नहीं सकते, लोगों तक उसका डेवलप नहीं दिखा सकते, पर ये तो चीज है। और आपको पता है आज की सरकार भी बाबा साहब को ही बिना नाम लिए काम नहीं चलता, पर मानते कहाँ है। अच्छा चलिए, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि बुद्ध धम्म का मर्म क्या है तो आप क्या बताएंगे? बुद्ध धर्म का मर्म यही है, मनुष्य का सार्वंगिक विकास, मनुष्य के हित की बात, मनुष्य के कल्याण की बात, आदि मध्य अंत, बस यही बात है। और ये चाहे विश्व का कोई भी विद्वान हो या कोई भी साइंटिस्ट हो या कोई भी आपके जैसे डॉक्टरेट पीएचडी किए हुए लोग हो, जो भी हो, ये मर्म तो ऐसा है, इसमें मैं ही नहीं, एक मैं बौद्ध समाज की हूँ या इस समाज से आई हूँ करके मेरा डेवलप हुआ, इस बात को मैं मानती नहीं हूँ। मैं इस बात को मानती हूँ कि बुद्ध के मतलब मर्म को जिसने समझ लिया, जान लिया, परख लिया, देख लिया, उसका विकास ही है ये विश्व की हर महिलाओं के लिए, क्योंकि ये आपने मुझसे सवाल पूछा है
तो मेरा डेवलप जो हुआ है बुद्ध के मर्म को जान के ही हुआ है, ये तो बात मैं सही बताऊंगी। दीदी एक बात इसी से जोड़कर हम ये भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि बुद्ध धम्म में या फिर तथागत की शिक्षाओं में या फिर तथागत के वचनों में वो कौन सी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है कि तथागत की शिक्षा उनकी अनगिनत शिक्षाएं हैं लेकिन उन शिक्षाओं में ये बात है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। बुद्ध की शिक्षा में सबसे ज्यादा प्रभावित मैंने बहुत बार और कंटिन्यू वर्षवास का जो महीना था उसमें बुद्ध और उनका धम्म में पढ़ती हूँ जो बाबा साहब ने यंग भिक्षुओं को समर्पित किया उसको मैं पढ़ती हूँ, तो उसमें कोई चीज ऐसी नहीं लगती कि ये बहुत बड़े विद्वानों के लिए कही गई है। ये जो नॉर्मल जीवन है स्त्री पुरुषों का या इंसानों के लिए, इसमें वही चीजें है। अगर आप ये शांति का मार्ग है, ये शील का, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंचशीलीय बौद्धों का है, मैं इस चीज को नकारती हूँ। मुझे बहुत बड़े व्यक्ति ने दीक्षा भूमि पे कहा था कि ये बहुजनों का कार्यक्रम है या पंचशील ना लिया जाए, पर मेरी अट थी, मेरी जिद थी, ये मतलब 5 साल पहले की बात बता रही, मेरी जिद थी अगर दीक्षा भूमि पे मतलब बहुजन समाज का कार्यक्रम है तो पंचशील मैं प्रूव करा देती हूँ कि ये सिर्फ बौद्धों के लिए नहीं है, ये सभी के, और मैं इसकी व्याख्या भी करके दिखा सकती हूँ। क्योंकि जब तक आप ये चीज लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। पानातिपाता प्राणी हिंसा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, तो मैं दया करूंगा, उनका लालन पालन करूंगा या करूंगी, ऐसा ही है ना। मैं चोरी नहीं करूंगा, तो ये सिंपल सी बात है। तो ये कहा किसके लिए, क्या बौद्धों के लिए लागू है? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीजें जो है कहीं तो भी ये चीजें मुझे प्रभावित करती है। मतलब कौन सी चीजें, जैसे शांति, जैसे डेवलप, मैंने शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी डेवलप है वो बुद्ध और उनके धम्म में है जी। और वो कोई भी ले सकता है, ये आप डॉक्टर राजेंद्र फुले जी नहीं ले सकते या पुष्पा बौद्ध नहीं ले सकती, ये उस चीजों से कोई भी ले सकता है। और ये चीज बस हम उसको डेवलप कैसे करेगा, किया जाए, हम उसको कैसे प्रचार के माध्यम से लोगों की निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदला जाए, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं वो एक्सप्लेन नहीं इस सफर की, मतलब धम्म क्रांति को अगर हम देखें कि उसके सफलता की ओर वो कितनी तेजी से जा रही है, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? मतलब धम्म क्रांति जो है, बाबा साहेब ने जो लोगों को बुद्धिज्म की ओर लेकर आए, तो ये जो कारवां है, ये कारवां कितनी तेजी से बढ़ रहा है, क्या या इसकी कोई रुकावटें आप महसूस करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसकी जो स्पीड होनी चाहिए थी वो स्पीड नहीं है, या फिर ये कैसे आगे बढ़ सकता है? हाँ। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बरसों से इस सांस्कृतिक परिवर्तन पर काम करती है? बहुत अच्छा सवाल है ये। रुकावटें आ रही हैं, प्रोग्रेस मतलब आप बोल रहे कि कितना आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ते तो दिख रहा है, पर रुकावटें इतनी आ रही है शायद मतलब बोल क्या 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 ये रुकावटें भौतिक है? भौतिक है, और भौतिक है, और ये मीडिया, ये जो मोबाइल गूगल वाला सिस्टम, ये मीडिया, जैसे अभी आपके आने के पहले मैं कुछ मैसेज लिख रही थी, अभी जो 9 दिन का कार्यक्रम चल रहा है, तो जो अपने आप को बौद्ध बोल रहे हैं या जो रुकावटें, ये धम्म का प्रचार प्रसार या जो बहुत तेजी से बढ़ रहा, तेजी से रुक भी रहा है। मैंने कल ही एक भाषण, ये रुकावटें कैसे मिटाई जा सकती है, मैं कर रही कोशिश, कल की बात बताती हूँ मैं, कल की बात। यंग लड़कियां, इंजीनियर, एक लड़की नेट कर रही, जवान जवान लड़कियां बैठती है मेरे साथ, बहुत खुश हो गई। कल का तो मैं इतना दिन अच्छा बोलूंगी कि एकदम बॉम्बे से आई लड़कियां बैठी, तो वो बोली कि इतना अच्छा आज तक हमने कभी सुना ही नहीं, पंचशील का अर्थ पता नहीं। आज बेटिया इंजीनियरिंग कर रही, बेटिया डॉक्टरेट कर रही, पर पंचशील सिर्फ रट रहा, मार रहे तो आ रहा है, पर मीनिंग कुछ नहीं पता। फिर हम जो 5 लोगों में बैठेंगे, अदर अदर लोगों का डिबेट होगा, तो वहां हमारे बच्चे क्या बोलेंगे, उनको पता ही नहीं। पर उनको ये पता है 9 दिन क्या होता है, वो दिन क्या होता है, वो कलर क्या होता है, ये क्या, ये सब पता है। उस ऐसा नहीं, बुद्धिज्म का ही नॉलेज होना जरूरी नहीं, आपको वो भी पता होना चाहिए ताकि आप अपने लोगों को सही, और ये काम मैंने करी हूँ।
मैं आपको मतलब पता नहीं टीवी में बोल सकती हूँ कि मैंने ये काम करी हूँ, मैंने सीधा लोगों को टोकी हूँ कि ये नहीं। अभी ऑनलाइन कार्यक्रम उसमें में मैंने गणपति के बारे में क्या, मैंने नवरात्र के बारे में, मैं मतलब ये रुकावटें इसी आ रही, और ये रुकावटें आज कोई ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हिंदू धर्म ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, पर ये प्रश्न के कारण मैं बोले जा रही हूँ। उनमें इतना बाबा साहब कहते हैं कि इतनी ताकत नहीं कि मेरे ये कारवा को कोई रोक सके, ये रुक रहा है सिर्फ मेरे अपनों के कारण। और तो इसके उनसे क्या रुकावटें आती हैं? बहुत कुछ, बहुत कुछ। देखिए, एक तो संगठन बहुत हो गए। मैं तो चाहती हूँ कोई ऐसा मेरे जैसा 300 दिन टाइम दे, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके पीछे हूँ, नहीं साथ में रहूंगी तो, पर वो करे तो सही। और मैं हर एक लेडीज को घर से बाहर निकालना चाहती हूँ, मेरी ये इतनी तड़मड़ है। तो उनको करना क्या है? करना क्या है? परिवर्तन। अच्छा, परिवर्तन। और परिवर्तन नहीं, बाबा साहब ने 1956 में 65 साल अभी हो रहे हैं, आज आप उसी के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, पर 65 साल में जो परिवर्तन होना चाहिए, जो आगाड़ी या जो चीजें आगे एकदम माहौल से बढ़नी चाहिए, वो नहीं दिख रहे। लोग ऐशो आराम में, घर में, दुनिया में, पार्टी शार्टी में, लाइफ इंजॉय करने में, शादी ब्याह में, इसी में पूरा बर्बाद हो रहे हैं। और ये सच है, क्योंकि डोर टू डोर मैं काम करती हूँ, कोई मुझे पूछे। अच्छा, लेकिन दीदी एक बात मैं इसी के बीच में, आपके बात को कंटिन्यू कीजिएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग पार्टी में या फिर अपने व्यक्तिगत जीवन को उत्सवों में ढालने में जो व्यतीत करते हैं, क्या वे अपने जीवन को बर्बाद करते हैं? मैं ऐसा नहीं कहूंगी। हाँ, बर्बाद भी नहीं कहूंगी और ना ही उसको परिवर्तन ना ही डेवलप कहूंगी, वो मध्यम इसमें फंस गए हैं। अच्छा, ना घर के ना घाट के, कहते मतलब वो कहीं रुक गए हैं, रुक गए हैं, थम गए हैं, स्टैचू बन गए हैं। मतलब हाँ, लाइफ यही है, कल किसने देखा, कल क्या होगा नहीं जानते, तो कल किसने देखा, कल नहीं जानते करके आज बर्बाद हो जाए, ये तो हो ही तो, नहीं सकता। तो फिर आज के लिए आपका क्या मैसेज होगा? आज के लिए मेरा यही मैसेज है, अगर बुद्ध और बाबा साहब को जो जो लोग मानते, मैं बुद्ध बाबा साहब की बात कर रही, जो महात्मा फुले, सावित्री, जीजाऊ, शिवाजी महाराज, या जिन जिन्होंने इतनी महान क्रांति की, जिनको ये लोग मानते और अपने घरों में रखते हैं, तो उनको परिवर्तन तो करना चाहिए। इस परिवर्तन को अगर शब्दों में व्यक्त किया जाए तो कैसे? शब्दों में व्यक्त किया जाए तो सीधे सीधे बाबा साहब कहते हैं 22 प्रतिज्ञा यानी बौद्धों की आचार संहिता, जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, और बौद्धों की आचार संहिता 22 प्रतिज्ञा यानी इसमें इतिहास लिखा हुआ है, ये कोई झुठला नहीं सकता। और बाबा साहब ने दीक्षा भूमि पे इतनी बड़ी बात संगत के सामने बोली है, तो उन व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात बोली है, तो हम क्यों रुके, हम क्यों थमे? और आज बताइए, इतना एजुकेशन, या मेरा आदमी या मेरा बेटा इंजीनियर बना है, या जो भी मेरी बेटी विदेश में गई, किसके कारण? ये नहीं होते तो हमारी क्या औकात होती कि यहाँ हम बैठ पाते, इतना अच्छा बोल पाते कैमरा के सामने? कुसा गांव बाहर अभी भी हम कहीं ना कहीं कीड़े मकोड़े जैसे होते। जब लाइफ चेंज करना है और लाइफ को स्वाभिमान से जीना है, तो स्वाभिमान तो साथ में लेके चलना पड़ेगा, और वो धम्म से आएगा, वो धम्म से आएगा। हम लोग बातचीत कर रहे थे पुष्पाताई बौद्ध से, जो राष्ट्रीय पारिवारिक धम्म संगोष्ठी की एक ऐसी कार्यकर्ता है, जिनके लिए मैंने जांबाज शब्द का इस्तेमाल किया इतनी ही तीव्रता के साथ और इतनी क्षमता के साथ, वो लोगों के साथ परिवारों में संवाद स्थापित करती है। आज इस समय हम लोग 14 अक्टूबर 1956 की इस धम्म क्रांति का एक छोटा सा मूल्यांकन आप सबके साथ उन कार्यकर्ताओं को लेकर साझा कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच काम करते हैं। तो यहाँ रुकेंगे। दीदी, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।